वाव, मैं तो स्कोर में बैठ भी गया और ये तो क्या मस्त चल रही है रे बाबा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आपका प्यारा सा होस्ट और दोस्त रोपीरो। और गाइस, मुझे ये आज वाली वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को जल्दी से एक लाइक तो कर ही दो। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा, जल्दी से लाइक करो ना प्लीज। तो आओ गाइस, हम जल्दी से चलते हैं हमारी प्यारी टिप्सन दादा के पास। हेलो हेलो टिप्सन दादा। आप रो क्यों रहे हो टिप्सन दादा, क्या हुआ आपको? रो पीरो, आज सुबह मैं अपनी चट्टी सुखा रहा था, पता नहीं कहाँ से ग्रीन ट्रांसफॉर्मर आया, उसने मुझे इतना मारा और उसके बाद वो मेरी चट्टी भी चुरा कर ले गया। टिप्सन दादा, ऐसा क्या स्पेशल है आपकी चट्टी में कि लोग आपको छोड़कर आपकी चट्टी चुरा कर ले जाती हैं? छोटे, उसमें है स्पैंटेक्स। टिप्सन दादा, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सबका बदला लेगा रे तेरा रोपीरो। आओ दोस्तों, हम जल्दी जल्दी चलती है। रोपीरो, मेरी बात तो सुन। नहीं टिप्सन दादा, अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। चलो दोस्तों, अब हम जल्दी से जाकर उस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर की पुंगी बजवा देंगे। आज तो वो कहीं भी छुप कर बैठा हो, मैं उसे ढूंढ कर उसकी 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। वो मुझे एक बार मिल जाए फिर तो उसको दिन में ही तारे दिखा दूंगा। ओहो, देखो गाइस, ये तो हमें मिल गया ग्रीन ट्रांसफॉर्मर। ओए ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसी हुई टिप्सन दादा के साथ मजाक करने की? ए, इसके अंदर तो इंसान बैठी है। चलो कुछ भी हो दोस्तों, हम जल्दी से इसका कान पकड़ कर इसको टिप्सन दादा के पास ले जाते हैं, फिर टिप्सन दादा इसको अपनी मर्जी से जैसी चाहे वैसी सजा दे सकती है। सजा बोले तो पनिशमेंट, क्योंकि इसने टिप्सन दादा को ही परेशान किया था ना, इसलिए इसको सजा देने का हक भी सिर्फ टिप्सन दादा के पास है। गाइस, ये तो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, और देखो हम तो अपने टिप्सन दादा के घर के पास भी पहुंच गए। चलो मैं इसको धीरे धीरे से टिप्सन दादा के पास ले जाता हूँ और फिर उनको सरप्राइज दूंगा कि मैं ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को पकड़ कर लाया हूँ। हेलो टिप्सन दादा, ये देखो मैं आपके दुश्मन ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को पकड़ कर ले आया। चलो अब हम दोनों मिलकर इसकी पुंगी बजाएंगे। अरे रो पीरो, तू बचपन में सिर के बल गिर गया था क्या? ये कोई ग्रीन ट्रांसफॉर्मर नहीं, ये तो सिंपल सी कार है। तुझे इतना भी नहीं पता, हर हरी चीज ग्रीन ट्रांसफॉर्मर नहीं होती। अच्छा टिप्सन दादा, भला तभी तो मैं सोचूं कि इतना पावरफुल ग्रीन ट्रांसफॉर्मर एक चुटकी में मेरे काबू में कैसे आ गया। तो चलो गाइस, अब हम जल्दी से इस नकली वाले ग्रीन ट्रांसफॉर्मर में बैठ कर चलती हैं असली वाली ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को पकड़ने के लिए। ओहो गाइस, देखो ये रहा ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, और मुझे तो लगता है कि ये असली वाला है। मैं जरा चेक करता हूँ, तो गाड़ी को यहीं पर रोक कर हम इसको अच्छे से चेक करते हैं। गाइस ये लग तो असली ही रहा है। ओए ग्रीन ट्रांसफॉर्मर, बाहर निकल। ओए बटने, चुपचाप यहाँ से कटने। ओ तेरी की, ये कहाँ से बोला? अब तो मुझे इसकी और भी ज्यादा गहराई से जांच करनी होगी। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़कर चेक करता हूँ, लेकिन यहाँ तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ओहो, अब तो इसकी बहुत ही अच्छे से पिटाई करनी होगी। ओहो, ये तो चलने भी लग गया, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा ग्रीन ट्रांसफॉर्मर? अभी तो मैं तेरी बत्ती गुल कर दूंगा। हैया हैया हैया, लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
अच्छा जी, मेरा गेम बज जाएगा। रुक, अभी तेरे अंदर इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और कहाँ से। ओह शिट दोस्तों, यहाँ पर तो बाजी ही पलट गई। मैंने इस हरे भरे ट्रांसफार्मर को जितना ज्यादा खतरनाक सोचा होता, ये तो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला। ओ ग्रीन ट्रांसफार्मर, मुझ में इतने छेद मत करो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। चुपचाप मुझे टिप्सन दादा की चड्डी वापिस दे दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा। उस चड्डी को भूल जाओ, अब वो चड्डी तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि जब मैंने उस चड्डी को डाला, वो चड्डी बीच में से फट गई हुई। क्या, टिप्सन दादा की चड्डी फाड़ दी? अब तो आता माझे सटकली, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, अब तो तू गया। अब तो मैं तुझे ऐसे फाड़ूंगा जैसे तूने चड्डी को फाड़ा था। ओ शिट, मैं तो अपनी गन लाना ही भूल गया। चलो इसी डांसिंग गन से ही इसको मजा चखाती है, और जब ये डांस करने में बिजी होगा तो मैं यहाँ से बचकर भाग जाऊंगा। देखो गाइस, ये हरा भरा रोबोट तो क्या मस्त नाच रहा है। ओए हरे हरे ट्रांसफॉर्मर, थोड़े से ठुमके तो लगा कर दिखा दे। बेटा जी, मेरे ठुमके देखने वाला कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ओम्फो, इसने तो मुझे ही फाड़ दिया। ओहो गाइस, उस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर ने तो मेरी धुलाई कर दी, और देखो ये तो पुलिस भी जा रही है। पुलिस पुलिस पुलिस, अपनी गाड़ी को रोको। पुलिस वालों, आप मेरी मदद करो, उस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर ने मेरी धुलाई कर दी, मेरी एक एक हड्डी तोड़ डाली। ओए ढीले पकौड़े। अजी मैं ढीला नहीं, नीला पकौड़ा हूँ, चाहे मेरे व्यूअर से पूछ लो। तू जो भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर तू उस काले बदबूदार टिप्सन का दोस्त है, इसलिए हम तेरी मदद नहीं करेंगे। क्यों पुलिस भैया, भला हमारी टिप्सन दादा ने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसे पूछो क्या नहीं बिगाड़ा, वो गंदा टिप्सन रोज अपनी बदबूदार चटिया लेकर हमारे पुलिस स्टेशन में सुखाने आ जाता है। हाँ, क्या ये सच है? और नहीं तो क्या, चल अब हट यहाँ से, तुझ में से भी बदबू आ रही है, थुल थुले नीले पकौड़े। ओहो दोस्तों, ये पुलिस वाले तो हमारी मदद भी नहीं कर रहे, और देखो यहाँ से चले भी गए, भला अब हम क्या करें? चलो जल्दी से टिप्सन दादा के पास चलती है। टिप्सन दादा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों से, हमें क्या लेना। क्यों नहीं लेना देना टिप्सन दादा, ये पुलिस वाले आपके बारे में क्या कह रहे थे कि आप उनके पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बदबूदार चड्डी सुखाते हो? छोटे चड्डी का क्या है, जो आज तेरी है वो भी कल मेरी हो जाएगी। ओहो टिप्सन दादा, मुझे तो अब आपसे खतरा महसूस हो रहा है। छोटे ये सब छोड़, और पहले मुझे ये बता कि तू ग्रीन ट्रांसफॉर्मर से मेरी रंग बिरंगी चड्डी ले आया? नहीं टिप्सन दादा, ग्रीन ट्रांसफॉर्मर ने आपकी चड्डी नहीं दी, बल्कि उसने कहा जब उसने आपकी छोटी सी चड्डी को अपने बड़े सी तन बदन पर पहनने की कोशिश की तो वो चड्डी फट गई। क्या यहाँ रो पीरो, मैंने तुझे इतू सा काम दिया था, तू वो भी नहीं कर पाया। ची ची ची। टिप्सन दादा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रॉप हीरो, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आप यहीं 2 मिनट रुको, मैं अभी 5 मिनट में ग्रीन ट्रांसफॉर्मर का कान मरोड़ के उसको यहीं लेकर आता हूँ। थांबा थांबा रॉप हीरो, तू अभी तो मार खा कर आया है और अब वापिस जा रहा है, लगता है तेरा पेट नहीं भरा। तू इधर आ, मैं तुझे कुछ बताता हूँ। 4 काली मिर्च रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ लो। क्या, बस काली मिर्च लेने से ही ट्रांसफॉर्मर मेरे काबू में आ जाएगा? अरे नहीं पगले, इससे तो तेरा हाजमा ठीक हो जाएगा, और ग्रीन ट्रांसफॉर्मर के लिए तो दोबारा मेरे पास आ। हाँ लो टिप्सन दादा, अब जल्दी से मेरे कान में वो राज की बात बता दो। गुस्तुर तुर 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 गुस्तुर तुर 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 गुस्तुर तुर 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 तुर।
टिप्सन दादा, आपके इस बताए हुए तरीके से हम ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को अपने काबू में कर सकती हैं। अब तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और ग्रीन ट्रांसफॉर्मर की पुंगी बजाता हूँ। लेकिन गाइस, उसकी पुंगी बजाने के लिए तो मुझे ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को दोबारा से ढूंढना होगा। और देखो, मुझे तो ये यहीं पर मिल गया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, और इसके पीछे तो पुलिस भी है। अब समझे गाइस, इसीलिए पुलिस वाले हमारी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन हम इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर से नहीं डरते, तो चलो जल्दी से इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर टिप्सन दादा की बताई हुई सीक्रेट ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। और देखो, वाह भाई वाह, मैं तो इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर के अंदर बैठ गया। तो चलो अब जल्दी से इसको अपने वॉइस टाउन में घुमाते हैं, क्योंकि गाइस मैंने आज तक कभी भी ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को नहीं चलाकर देखा, और मुझे तो पक्का पता है कि आपने भी आज तक ग्रीन ट्रांसफॉर्मर को कभी भी नहीं चलाया होगा। और अगर आप भी टिप्सन दादा की बताई हुई ये स्पेशल ट्रिक को जानना चाहती हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि जिसका मुझे कमेंट आएगा मैं सिर्फ उसी को ये सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा। तो गाइस, सोच क्या रहे हो, जल्दी से टूट पड़ो कमेंट बॉक्स पर हल्ला बोल। और गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, और अगर आप वो वाली ट्रिक जानना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, ये तो कोई कहने की बात भी नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ वाली घंटी को भी दबा दो, क्योंकि वह घंटी डायरेक्ट मेरे घर में आकर बजती है और मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों ने गेम डेफिनेशन को सब्सक्राइब कर लिया है। तो ओके गाइस, हम आज की इस चटपटी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को। वाह भाई वाह, ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर चलाने में तो क्या मक्खन है रे मक्खन, एकदम मजा ही आ गया रे बिड़ू।